राम राम सभी को। वेलकम टू प्रीति तनवे ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम जी कृपा आप सब बनी रहे। फ़ोन में नहीं है बैटरी, फ़ोन है चार्जिंग पे। फिलहाल मैं चलती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि सुबह हो चुकी है। अभी फुल फ़ोन चार्ज हो जाए फिर आगे ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग तो कर दी, ब्लॉग आगे बनाती हूँ। तो मेरी पूजा हो चुकी है। आज मैंने सबसे पहले उठ के, ये था मुझे कि हाँ मैं पूजा के लिए लेट हो जाती हूँ, आज मैंने पहले पूजा ही की है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पोछा ओछा नहीं लगा, पोछा ओछा मेरा लग चुका है देख लो। बट मुझे ये था कि हाँ पहले पूजा करूँ। तो पूजा हो गई है, बट अभी सूरज को पानी नहीं दिया है क्योंकि सूरज अभी निकला ही नहीं है। अभी तो कहीं घटाओं में ही है। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं पार्थ के लिए इसमें से दूध निकाल लूँगी, क्योंकि ये दूध ही था। इसमें मैंने पहले उबाल लगा दिया, अलग अलग करती इसलिए मैंने पहले पार्थ के लिए दूध उबाल लिया। अब अपने लिए चाय बना रही हूँ मैं इसमें से। Thank you.
चलो खड़े हो जाओ। तो जब उठी गए आप बेटा, जब मैंने आपके लिए बोला था पार्टी 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 दे रही है, फिर आपने बोला कि मेरे पास खुले पैसे लेके, तो मैंने दिए तो दिए थे आपको पैसे। अरे अच्छा, धूप ले रहे हो सुबह सुबह थे। माजी आपसे ये कहती, जो ये अभी आए हैं ना, जो इनका काम कर रहे हैं, जो इनका काम कर रहे हैं, और वो 10 रुपये मांग रहे थे ना, वो आपके पास जब खुले पैसे दे थे ना। खुले नहीं थे बेटा, वाला खुले होते ना तो मैं दे देती हूँ उनको। पर कौन सी बड़ी मम्मी को उधार दिया है? बड़ी मम्मी से नहीं गया था, माजी से। आप खुद ही लेके आए थे ना। मम्मा बता, पैसे पे मेरे पैसे पे ना नाम लिखा है काव्यांश। नाम लिखिए पैसे पे, सबके पैसों पर नाम। हाँ मम्मी, आज यही हो दूध कोई मिल जाए तो, पर पका ही लिया हो तो। मैं तो अंदर के पीछे और फिर बाजी भी नहीं होते आज पूछ रहे। बाजी तुम कितने बजे आओ खेत पे से? कितने बजे आओगे खेत पे से? 9 बजे। आगे 9 बजे आते हैं, और आप 1 बजे आते हैं। पानी हो रहा और दूध ठंडा हो रहा, दूध ठंडा हो रहा है। आप पोलोथीन में रख के ले आना फिर ये। ऐसे तो पानी सारा यहीं बिखर जाएगा। तो अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, और जल्दी से नीचे करनी है झाड़ू पोछा कंप्लीट। काम हो गया मेरा सारा कंप्लीट। तो मेरे यहाँ का और ऊपर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल मैं सिर धो देता, ये सुखा लेती हूँ थोड़ी देर। तो अभी मुझे एक आज खाना नहीं बनाना है, क्योंकि पार्थ को तो मैंने लंच बना के दे दिया है, और बाकी उसका अभी सुबह का जो मैंने लंच बना के उसे दिए थे, क्योंकि उसे पीले चावल पसंद हैं, तो मैंने चावल मांड बनाया था, मतलब उसका जो मैंने अपने सिर धोने के लिए काम में ले लिया है। और बाकी पार्थ को चावल जो मैंने उबाले थे वो पानी उसका लेके, मांड जो हुआ था वो मैंने अपने बालों को धोने के लिए ले लिया, और बाकी जो चावल थे वो
पार्थ को मैं देने वाली थी जीरे में फ्राई करके वाइट वाले चावल, लेकिन उसे वाइट चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे पसंद है पीले चावल। तो उसने कहा मुझे पीले ही खाने हैं, इसलिए फिर मैंने उसको वो थोड़े से ऐसे ही हल्के फ्राई करके दे दिए। बाकी आज मैं, मम्मी और पार्थ हैं यहाँ पे, ये और पापा कहीं पे गए हुए हैं, और मेरा और मम्मी का आज है व्रत सातवें का, तो इसलिए मुझे खाना नहीं बनाना है। पार्थ आएगा तो देखती हूँ वो क्या खाएगा, फिर उसके लिए वो कुछ बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने भी चाय पी लिया और मम्मी के लिए भी मैं चाय लेके आ गई हूँ। मम्मी अभी खेत से आई नहीं, आने वाली है। जब तक काम मेरा सारा हो चुका है कंप्लीट, सर धोया है बस, अब बस ये थोड़ा सुखा लूँ। सुबह जल्दी नहीं धो पाई इसलिए मैं सिर को, क्योंकि मुझे चावल का मांड चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई सिर धोने के लिए, जो मैंने अब धो लिया है। इसके देख रहे हैं, क्या देख, हेलो कर, हेलो नहीं करना, भांग रो नहीं करना, रो क्यों रही है, रो क्यों रही है, डर से लगा है मुझे, जिस दिन से गाय न मार रही हूँ ना भैंस से डर लगा है, बांधूंगी रुक जा, पेट नहीं खाना, भागे मत ना, कदी तोड़े इसे, तो जब तक मम्मी नहीं आती मुझे बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर पता नहीं चलता कोई आ जाता है, आवाज़ लगा के ऐसे ही चले जाओ, यहाँ रहूँगी तो पता चलेगा। एक बात बताऊँ आपको नंगी, एक बात बताऊँ, सुनो, मैं सो गई थी ना, आप भी सो गए ना, सो गए थे ना, पेंसिल ले रही, सुन, सो गए ना आप जब मैं सो रही थी, यस, और एलसीडी चलती रही, राइट, और मंकी देख वहाँ बैठा है जहाँ तेरी कुर्सी है, अब नहीं जब मैं उठी थी, मैं मतलब अगर कोई भी आवे और मुझे पैछड़ की इतनी वो है कि जैसे ही कोई एंटर करेगा ना रूम में, मैं कितनी ही भरपूर नींद में सो रही हूँ मेरी तुरंत आँख खुले, ऐसी जब मैं कभी मतलब हम बाहर सो गए ना, तो जब भी ऐसी हो गया कि जैसे मम्मी या कोई भी फ्रिज में से पानी लेने आवे और जैसे ही मेरी खाट के पार से निकली करो ना क्रॉस करके, मेरी तुरंत आँख खुल जावे। और पार्थ ऐसी जब मैं अभी मतलब सो रही ना, बिल्कुल भरपूर नींद में सो रही मैं, लेकिन फिर जैसी कुर्सी उर्सी बजी ना, पार्थ की यहाँ मतलब टी ट्रॉली है मेरी रूम में, उसके ऊपर रखी है वो कुर्सी, तो वो बंदर आया, थोड़ा गेट खुला हुआ है, हालांकि हमने गेट वैसे फेर रखा है, मुझे यही पार्ट्स हो गए ना, अब कई दिन से मतलब डेली ये देखें और इन्हें देख के फिर मतलब टाइम से ना जावे ना, ये देखते रहे कार्टून लेने। अब आज जैसी मेरी आँख खुली मैंने देखी टीवी ट्रॉली पे बंद है, मैं बिल्कुल साइलेंट हूँ, हाँ कुछ नहीं, यही यहीं लेटी हुई मैं, हाँ बस थोड़ा खिसक खिसक के मैं यहाँ आ गई, यहाँ पे मैंने की, मैं पार्थ के पैर खींच ही रही, पार्थ के पैर में खींच ही रही, मैंने की मैं पार्थ ले लूँ बस गोदी में कैसे भी कर गए। पार्थ लेने के बाद में मैंने सोची तू बस पार्थ ले गोदी में और झटके से एकदम निकल जाइए इसमें से रूम में से। फिर वो बंदर उस टीवी ट्रॉली पे से उतर कर यहाँ आ गए मेरे ड्रेसिंग पे, और ड्रेसिंग देख लो बेड के बिल्कुल टच में। यहाँ आने के बाद ये ड्रॉ मैंने अभी लगाया जिसमें दवाई रखी, और इसमें आ गया, मुझे बार बार डर लग रहा है अगर कुछ भी ऐसा हो रहा ना इधर उधर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बंदर ना आ जावे। मैंने दिखाया भी है हमारे नदी, कह रही हूँ होती में ऐसे नहा रहे जिस किसी नदी में नहा रहे हो डुबकी लगा लगा, और फिर आज सुबह पार आज सुबह भी नहा रहे ना उनकी होदी के पास जब,
पानी पी रहे हैं, और कल नहाए थे वो बहुत देर तक नहाए वो, उन्होंने वो छत पूरी गीली कर दी उनके, मतलब नहाने से नहा के जावे डुबकी लगा के और एकदम भग जावे, मतलब जहाँ हमारी टंकी रखी हो। अरे भगवान, मेरा ऊपर का जी ऊपर और नीचे का जी नीचे, मैयास तो मैं मरी मरी, आज तो गेट भी लग रही और मैं पार्थ अंदर है, क्योंकि बेड्स हैं गेट पे जाऊंगी। आप बताओ, सारे ब्लॉग में देखो भी होगा वो, वहाँ गेट है, यहाँ टी वी ट्रॉली पे पहले, और भैया फिर यहीं आ गए बिल्कुल मेरे पास में। अब मैं दीदी बता रही, तो मैडम क्या कह रही, वीडियो बना लेती तू, तुझे वीडियो की पड़ रही है, अपनी जान की हो रही कि मतलब बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। बड़ी मम्मी ये कह रही वीडियो बना लेती उसकी तरह, पर्णव छोड़ के भाग गई एक दिन, उस बंदर आ गए पर्णव छोड़ के पालने में, जो पर्णव बहुत छोटा है, और सीधा भाग गई हो तुरंत। और मैंने सोची बस आज मेरी और मेरे बच्चे की जान बच जा कैसे भी कर गए, क्योंकि हर हाल में बंदर खाएगा और कुछ ना कुछ कर ही देता, बिचलता और हर गेट और लग रहा है, और ना वो खुद जा पाता ना मुझे जान दे। फिर भाई बजरंगबली महाराज की कृपया, हे बजरंगबली महाराज, वो बंदर चुभी रूम में से निकल के बाहर चला गया। आज ये सीन मेरे साथ हुआ।